गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो भाई आज हमारे सामने खड़ी है अपाचे आरटीआर 200 4V। भाई लुक्स देखो क्या लग रही है यार। ओके सबसे पहले मैं आपको एक वॉक राउंड देता हूँ इसका कंप्लीट। ये देखो भाई कुछ ऐसी है दिखने में, कंप्लीट फ्रंट से कुछ ऐसी है और अभी लेटेस्ट लॉन्च है और लेटेस्ट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये। ओके अभी 2023 के अंदर और टीवीएस शोरूम के अंदर मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो वॉक राउंड दे दिया मैंने, सबका एक अपना अपना बजट होता है बाइक खरीदने का। सबसे पहले मैं इसकी ऑन रोड प्राइस आपको बता देता हूँ। तो इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 1,77,000। ओके ऑन रोड जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, हर मतलब कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है प्राइस, हर जगह अलग अलग प्राइस देखने के लिए मिलेगी आपको। मतलब ज़्यादा नहीं, 1,000 से 2,000 का ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके सो अभी बात करते हैं यार, एक वॉक राउंड तो मैंने आपको दे दिया है, ये देखो कंप्लीट एक वॉक राउंड एक बार और दे देता हूँ मैं आपको। ये ऐसा कुछ कलर है ब्लैक कलर का। वन बाय वन करके सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे 17 इंच अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके और 2.5mm की आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिन पे कोई ब्रांडिंग नहीं है फिलहाल तो। ओके शोवा की आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, ABS DC। ओके ABS आपको देखने के लिए मिल जाता है डुअल चैनल राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ, और इधर भी आपको शोभा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। मडगार्ड जो है वो ग्लॉसी कलर के अंदर एकदम, और TVS रेसिंग की यहाँ पे बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है आपको। फ्रंट में आपको देखिए ये LED लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे यहाँ पे आपको हॉर्स का चिन्ह देखने के लिए मिल जाता है, निशान देखने के लिए मिल जाता है, ये भी एक TVS को ही रिजेंबल करता है। ओके यहाँ पे इंडियन फ्लैग आपको देखने के लिए मिल जाता है। TVS मैं आपको बता दूँ इंडियन जो मतलब वो है ब्रांड है। ओके तो इसको फुल आपको सपोर्ट करना है भाई, मैं यही कहूँगा आपको। SmartX कनेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आप इसको अपने ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं बाइक को, और यहाँ पे आपको जो भी मतलब कॉल्स वगैरह का नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके अभी बात करते हैं सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी इसके अंदर, कि भाई इसमें ना आपको KTM 390 ड्यूक 390 आपने देखी होगी, उसके अंदर जैसे एडजस्टेबल लीवर्स आते हैं ना वैसे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखो भाई, है ना, ये आप आराम से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ है। ये देखो ब्रेक लीवर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्लच भी, और क्लच की जो स्मूथनेस है ना वो तो भाई क्या ही बताऊँ आपको। ये देखो दो उंगली से भी नहीं भाई, एक उंगली से भी आराम से दब जाएगा। ओके ये व्यूज़ जो है मिरर का आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, रियर व्यू मिरर जो है ऐसे कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके फ्रंट से बात कर रहे थे तो अपन ये एक बार मैं आपको बल्ब LED मतलब लाइट तो LED है, ये चीज़ सही है, बस ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि यार इसमें ना LED लाइट दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट इसमें हेलोजन लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके और अभी बात करते हैं यार इसके, इसमें आपको मोड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे तीन तरह के। ऐसा कुछ इसका डिस्प्ले है, मैं आपको एक बार डिस्प्ले वापस दिखाता हूँ, ये ऐसी कुछ इसकी कीज़ है। ओके सो अभी इसका डिस्प्ले देखते हैं अपन, ऐसा कुछ इसका डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको पूरा सेट कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर तीन तरह के राइडिंग मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, अर्बन, स्पोर्ट्स और रेन। ओके इसमें आपको तीन तरह के मोड देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि 200 cc के सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं आते, ये चीज़ सबसे तगड़ी चीज़ है भाई। मतलब कि 200 cc के सेगमेंट में छोड़ो, मतलब कि भाई 160 सेगमेंट में भी आपको शायद ही देखने के लिए मिलेगा TVS के अलावा राइडिंग मोड्स कोई देता हो तो। ओके इसके अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा, इथेनॉल 20 पेट्रोल डला के भी आप इसको चला सकते हैं, लेटेस्ट लॉन्च है क्योंकि बाइक के अंदर RTR 200 की यहाँ पे आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको RTR की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी, ये देखिए। ओके अभी बात करते हैं यार इंजन की सबसे मेन चीज़ की, तो वो है यहाँ भाई, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है RT रेस ट्यून्ड FI, मतलब भाई जो TVS की तरफ से ही रेस ट्यून्ड आती है कम्प्लीटली। 199 cc का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाएगा, 6-speed गियरबॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एयर कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल्ड नहीं है। ओके ये बात मैं आपको बता दूँ, 6-speed गियरबॉक्स नहीं आता इसमें, 5-speed गियरबॉक्स ही आता है, 1 down बाकी सारे अप। ओके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूट्रल आता है बीच में और 1 down बाकी सारे अप, 5-speed गियरबॉक्स। बात करते हैं यार सीट्स की, तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है और सीट की जो डिज़ाइनिंग है ना वो भी TVS ने काफ़ी अच्छी रखी है, ये बात आप मतलब नोटिस करना हर बाइक के अंदर। ये देखो RTR 200 खरी, इसकी भी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग है, और 160 है इसकी भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है। ओके अभी बात करते हैं यार RTR 200 4V की, यहाँ पे आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी पीछे, और पीछे ऐसा कुछ ग्रैब ग्रिल्स देखने के लिए मिल जाएगी आपको। इंडिकेटर जो है वो हैलोजन है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पीछे भी आपको हैलोजन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये बैकलाइट ऐसी कुछ इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। ओके अभी बात करते हैं यार साइलेंसर की, तो आपको ऐसे कुछ इसका साइलेंसर देखने के लिए मिलेगा, और ट्विन डिस्क है बाइक, सुपर मोटो ABS भी इसमें आता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मतलब कि अगर आपको रेसिंग और स्टंट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप इसके अंदर भाई मतलब कि ABS ऑन या ऑफ कर सकते हो आगे पीछे का, जिससे आप मतलब कि स्टॉपीज वगैरह व्हीलीज वगैरह आराम से कर सकते हो। ओके 130x70 का आपको टायर सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर, और पीछे का एग्जॉस्ट कुछ ऐसा है अपाचे की, यहाँ पे भी ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, TVS की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे RT स्लीपर क्लच। ओके स्लीपर क्लच का मतलब मैं बता दूँ भाई, इसका मतलब ये होता है कि आप एक उंगली से भी अपना मतलब कि क्लच है ना जो असिस्ट कर सकते हैं। ये देखो भाई कितना ईजी है, मतलब इतना ईजी है क्लच असिस्ट करना। ओके सो यहाँ से आप पूरा नेविगेट कर सकते हैं मोड्स वगैरह को कम्प्लीटली। और एक बार मैं इसकी चाबी बंद कर देता हूँ, और पीछे से आपको फुटरेस्ट वगैरह भी इसके दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ इसके फुटरेस्ट हैं,
पीछे जो है मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिंगल, ओके सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो HS का कुछ कंप्लीट रिव्यू था, जो कि भाई मतलब TVS की जो आती है ये काफ़ी अच्छी है, 200 4V। अगर आपको बाय करनी है तो आप आ सकते हैं जयपुर के शोरूम में। ओके सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टेप बाय।